हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जैसे कि मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाई थी और मैंने आपको बताया था, बहुत पहले क्या दिवाली को ही मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें एक शेयर का जिक्र किया था कि आप इसे मोरल ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, इस शेयर को और ये एक शेयर आपको बेहतरीन रिटर्न देगा। तो उस टाइम उस शेयर की कीमत लगभग 50 रुपीज़ के आसपास थी और अभी लगभग 70 रुपीज़ के आसपास वो शेयर चल रहा है। तो लगभग आपको अच्छे खासे रिटर्न वो कंपनी आपको दे चुकी है। तो ऐसे ही एक शेयर हो रहा है, सेम बिजनेस में है, सेम बिजनेस मॉडल है। ओके, तो उससे रिलेटेड बातें करेंगे, वो दो कंपनी से रिलेटेड बात करेंगे। जैसे बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व एक ही कंपनी होते हुए भी दो कंपनी है, इसी तरीके से जो कंपनी के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो एक कंपनी होते हुए भी दो कंपनी है। तो उन दोनों कंपनी से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। बट बिफोर दैट, आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप अपने चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज़ आप इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए। और अगर आप अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, फ्री में आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। किसके साथ? एंजल ब्रोकिंग के साथ, जो कि इंडिया का नंबर 1 ब्रोकिंग फर्म है, बहुत पुरानी है, सेबी रजिस्टर्ड है, एप्लीकेशन काफ़ी बेहतरीन है, कस्टमर सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, फ्री में अकाउंट ओपन कर रहा है, 0 डिलीवरी चार्जेस है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए और अकाउंट ओपन कराइए। तो जिससे रिलेटेड मैं बातें करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ प्राइस। तो देखिए, एक ये जो शेयर है, ओके, ये सब्सिडरी है, इसकी कीमत कितनी है? लगभग 40 रुपये, 40 रुपये के आसपास ये शेयर है। 5 डेज का चार्ट पैटर्न देखिए, पौन आपको हरा भरा नज़र आएगा। अब देखिए, छोटा शेयर है तो लगभग आपको 40 रुपये से 45, 50, 60 इस तरीके से नहीं, पैसों में बढ़ता हुआ नज़र आएगा। ओके, 1 रुपये बढ़ गया, 55 पैसे बढ़ गया, जैसे यहाँ पर आज की डेट में कितना बढ़ा है, 1%, 1.54% बढ़ा है। तो कितना बढ़ गया? 0.55 पैसे, मतलब 55 पैसे बढ़ा है। तो 1 मंथ पहले देखिए पॉजिटिव, 6 मंथ का देखिए पॉजिटिव, ईयर टू डेट देखिए तो लगभग देखिए यहाँ पर ये कितने पे, 56 रुपये के आसपास चल रहा था, और 56 रुपये से ये शेयर गिर के कितना हो गया, ये लगभग 24-25 रुपये के आसपास ये शेयर आ गया। और फिर उसके बाद ये बढ़ता बढ़ता जा रहा है। तो देखिए, अच्छी कंपनी की पहचान यही होती है कि ये शेयर जो गिरते हैं तो बढ़ना भी जानते हैं। तो देखिए, फिर भी अगर हम बात करें यहाँ से, तो अभी भी आपके पास लगभग 28% के रिटर्न्स, 30% कह सकते हैं सीधे कि 30% के रिटर्न्स तो देखिए ये कंपनी देगी देगी। ओके, एज वेल एज अभी तक कितने दे चुके हैं? तो अभी तक अगर हम यहाँ पर पेंडामिक से बात करें तो लगभग 45% के रिटर्न्स, 65% के रिटर्न्स, सॉरी, यहाँ पर दे चुकी है। तो काफ़ी बेहतरीन हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। चार्ट पैटर्न की भी बात करें तो देखिए, कंपनी इसे लिस्ट हुए काफ़ी टाइम नहीं हुआ है। ओके, 52 रुपीज़ के आसपास ये 2019 दिसंबर में लिस्ट हुआ था, एक साल भी अभी, 1 साल कंप्लीट हुआ है केवल, 13 तारीख को। और यहाँ पर देखिए, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देने के बाद ये पेंडामिक की वजह से गिरती हुई नज़र आई है, अदरवाइज ये ऊपर जाने की पूरी दमखम रखती है, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी। एक बात तो ये हो गई, अब दूसरी जिस कंपनी की रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं, ओके, वो भी कंपनी लगभग सेम ही है। अगर हम देखें 1 डे का चार्ट पैटर्न, ओके, यहाँ पर गिरता बढ़ता नज़र आ रहा है। 5 डेज का पॉजिटिव, 1 मंथ का पॉजिटिव, 6 मंथ का पॉजिटिव, ओके, ईयर टिल डेट भी देखेंगे ना, तो सेम सेम पैटर्न, सेम पैटर्न, क्योंकि ये जो कंपनी है ये पेरेंट है, वो बच्चा है। ओके, जैसे बाप और बेटा इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, इसमें भी लगभग 30% का रिटर्न्स अभी भी ये कंपनी आपको दे सकती है, जो कि आपको दिख रहा है। ये भी कंपनी देखिए काफ़ी नीचे गई थी, यहाँ पर अगर हम आपको बता दूँ तो लगभग 140-145 के आसपास ये कंपनी नीचे गई थी। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आज की डेट में 280 के लगभग ये चल रही है, लगभग आपको यहाँ पर भी इसने डबल के रिटर्न्स यहाँ पर दे चुकी है, ये 100% रिटर्न। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बेहतरीन कंपनी होगी कि 100% के रिटर्न तो पेंटामिक से दे दिए और अभी भी 30% के रिटर्न्स बाकी है जो आपको देती हुई नजर आएगी। ये थोड़े पहले लिस्ट हो गई थी, बट फिर भी इसकी 2016 में यहाँ पर लिस्ट होती हुई नजर आई है। ओके, 215 रुपये, और उसी भाव पे अभी 4 साल के भाव पे अभी भी आपको मिल रही है। और ऊपर कितने तक गई थी? तो लगभग 511 रुपये तक ये गई थी। तो इनका कंपैरिजन तो देखिए हमने कर दिया, दोनों एक जैसे ही चाल चल रहे हैं, एक ही जैसा इनका चार्ट चार्ट स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए लगभग 65% जो 40 रुपये वाला शेयर है, ओके, यहाँ पर कितना, 65% यहाँ पर हिस्सेदारी आज की डेट में लगभग डिलीवरीज खरीदी गई है।
शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात, और यहाँ पर देखिए रिटर्न्स देखिए जून में कितने थे, 5465 लाख इन रुपीज़, जो बढ़ते हुए सितंबर में लगभग डबल तो नहीं कहेंगे बट डबल के आसपास ही यहाँ पर 9600 लाख इन रुपीज़ यहाँ पर हमें होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी कंपनी को ज़्यादा लिस्ट हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो यहाँ पर, और शेयर होल्डर्स के पास लगभग 83.32% के यहाँ पर शेयर्स हैं और कोई भी शेयर गिर भी नहीं है। और इसी चार्ट पैटर्न में अगर यहाँ पर देखें तो लगभग 55% की डिलीवरीज उठाती हुई हमें नज़र आई है। और कंपनी इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर भी देखें तो फाइनेंशियल यहाँ पर घटता हुआ थोड़ा सा नज़र आया है जून से सितंबर के बीच में, बट स्टिल शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात की जाए तो देखिए ये तो सारे के सारे शेयर्स पब्लिक के पास है यहाँ पर। ओके, उसमें भी हम देखेंगे पब्लिक में किसके पास है, और डिविडेंड भी कंपनी देती हुई नज़र आई है 2017 में, 2018 में, 2019 में 2 बार, 2020 में 1 बार। ओके, कोई भी शेयर प्रमोटर्स के पास है ही नहीं, तो कोई भी शेयर यहाँ पर भी प्रमोटर्स के पास नहीं है। और कौन है प्रमोटर्स एक बार देख लेंगे, पब्लिक है, पब्लिक में भी कौन है तो देखते हैं। तो देखिए जो 40 रुपये का शेयर है वो कौन सा है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस शेयर काम क्या करता है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होते हैं वो छोटे छोटे कॉरपोरेट्स को, छोटे छोटे जो लोगों को लोन देते हैं, क्योंकि देखिए आप बैंक में जाएंगे आप अप्लाई करेंगे तो दे विल आस्क यू सम कोलेटरल और ये वो, ओके आपका टर्नओवर कितना है ये, तो वो नहीं उतना नहीं दिखा पाते तो उन्हें लोन भी बड़े 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 बैंकों से नहीं मिल पाता। बट ये क्या होते हैं, ये उन लोगों को लोन तो दे देते हैं, ओके, और इनके चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं कि लोन रिटर्न भी हो जाएगा, एनपीए भी कम रह जाता है। एज वेल एज होता क्या है कि ये जो लोन देते हैं ना, बैंक कितने पे देता है, बैंक आपको दे देगा 12 पे 13 पे, तो ये कितने पे देते हैं, ये देते हैं 17 पे, 18% पे, 19% पे। तो ये इनका इंटरेस्ट से जो इनकम आती है ना काफ़ी हाई लेवल पर आती है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे ना, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस इज़ अ मास मार्केट फोकस्ड बैंक इन इंडिया कैटरिंग टू फाइनेंशियल अनसर्व एंड अनडिजर्व सेगमेंट्स एंड कमिटेड टू बिल्डिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। तो उज्जीवन फाइनेंस बैंक हैज़ अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो विद ब्रांचेज स्प्रेड अक्रॉस 24 स्टेट्स एंड यूनियन। तो देखिए बहुत बेहतरीन इनका पूरे इंडिया में नेटवर्क है, 24 स्टेट्स में ये है। ओके, ATMs, ऑटोमेटेड कैश रिसाइकलर। तो यहाँ पर अगर देखेंगे ना तो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर इन्होंने इंडिया को कैप्चर कर रखा है, और मल्टी इसका डाइवर्सिफाइड इनका पोर्टफोलियो भी है। तो देखिए मार्केट कैप की बात की जाए तो स्मॉल कैप है आपका 6783 करोड़ रुपीज़ का इनका मार्केट कैपिटल है, और लगभग 40 रुपये पे शेयर चल रहा है। पी रेशो की बात की जाए तो केवल 21 के पी पे आपको यहाँ पर मिल रहा है, और ROCE की बात की जाए तो देखिए 9.08, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। अगर आप दूसरे बैंक्स भी देखेंगे ना, ICICI, HDFC, तो उनका जो ROCE है ना बहुत कम आपको नजर आएगा, बट ये हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं तो इसलिए इनका ROCE आपको बढ़ता हुआ नजर आता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर देख लीजिए जैसे कि मैं बात कर रहा था पी का, ROCE की बात कर रहा था, तो यहाँ पर देखिए HDFC की ROCE कितनी है, 7.31, कोटक की 7.35, ICICI बैंक की 5.9, और इसकी ROCE कितनी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.08। तो देखिए ये जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये मल्टी बैगर साबित हो सकता है आपके लिए। तो यहाँ पर अगर हम रिवेन्यू भी देखें ना क्वार्टर वाइज, तो देखिए 2018 मार्च में 0 दिखा रहा है, दिसंबर में 462, जो कि बढ़ते हुए अभी 754 हो गया है। ओके, एज वेल एज प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं लगभग 96, जहाँ पर 45 का था वहाँ पर डबल होते हुए 2 साल के अंदर अंदर 96 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट है इनका। NPA भी देखिए घटता हुआ नज़र आ रहा है, 0.14% का यहाँ पर NPA हमें नज़र आ रहा है। रिवेन्यू की बात की जाए तो देखिए ईयरली बेसिस पे भी आप देखेंगे ना, यहाँ पर 148 आपको 2944, तो देखिए कितनी बड़ी जंप लगाई गई है यहाँ पर 8 साल के अंदर अंदर। नेट प्रॉफिट भी देखिए 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था और अभी लगभग 313 करोड़ रुपए के प्रॉफिट पे ये बैठे हुए हैं। ओके, एंड काफ़ी बेहतरीन इनका सब चीज़ नज़र आ रही है। और देखिए रिजर्व्स देखिए 185 करोड़ के रिजर्व 2012 में, 2020 में कितने, 1238 करोड़ के रिजर्व्स। बोरिंग तो ऑब्वियसली बात है, बोरिंग का काम है तो इन्होंने की बोरिंग तो होगी ही होगी। इन्वेस्टमेंट देखिए लगभग 0 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, अभी 2396 करोड़ का इनका इन्वेस्टमेंट है।
अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की भी अगर मैं बात करूँ तो 161 करोड़ रुपए का इनका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अभी 1343 रुपए का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, और टोटल एसेट भी बढ़ते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न तो देखिए, शेयर होल्डर्स इधर 83.32% के जो शेयर्स है वो प्रमोटर्स के पास है, और प्रमोटर्स में भी यहाँ पर देखिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिनके पास 83.32% के पूरे फाइनेंशियल सर्विसेज हैं ना, जो मैंने आपको पहले बताई थी जिसके ऊपर मैं आने वाला हूँ, उनके पास हिस्सेदारी है पूरी की पूरी। फॉरेन इन्वेस्टर देखिए हिस्सा बढ़ा रहे हैं 5.18, DIS देखिए 4.14, DIS भी अगर देखेंगे फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पर देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, पब्लिक की बात की जाए तो लगभग 7.36, तो हर चीज़ बेहतरीन है। और यहाँ पर देखिए 2 साल का टाइम पीरियड होता है 75 लाने के लिए, तो देखिए कभी भी OFS आ सकता है 1 साल के अंदर अंदर। ओके, 1 साल अभी हुआ है इसको, तो 1 साल के अंदर अंदर OFS आएगा तो ऑब्वियसली बात है इसका प्राइस 39 तो रहने से रहा, इसका प्राइस जो होगा लगभग 50, जो इसका 52 वीक हाई कितना 60 रुपीज़ के आसपास, तो इतना या उससे ज़्यादा ही होगा, तो इसकी तरफ आप विचार कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए यहाँ पर फाइनेंशियल की तो देखिए इसका मार्केट कैपिटल कितना है, ये भी स्मॉल फाइनेंस है 3541, देखिए इसका 3541 और इसका कितना 6783, तो मतलब देखिए बेटा है ना जो बाप से महंगा, मतलब ज़्यादा कैपेसिटी रखता है, ज़्यादा भार रखता है। और देखिए ROCE की भी इतनी है, 11 के PE पे ये मिल रहा है, 291 इसका करंट प्राइस है, 616 इसका हाई 52 वीक हाई है। तो सब कुछ यहाँ पर बेहतरीन नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी आप इसे पढ़ सकते हैं, मैं आपको सीधे रिटर्न पे दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर देखिए सेल्स भी यहाँ पर भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे, नेट प्रॉफिट पे आते हैं सीधे, तो लगभग 75 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो मैं यहाँ पर देख सकते हैं सेल्स, रिजर्व्स की बात करें तो 1636 करोड़ का रिजर्व्स था 2017 में, 2020 में 2866 करोड़ रुपए का यहाँ पर रिजर्व्स नज़र आता है। बोरिंग से रिलेटेड काम है तो बोरिंग तो ऑब्वियसली बात है रहेगी ही, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। इन्वेस्टमेंट देखिए लगभग 3392 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट है। जितनी इसकी मार्केट कैप है उतना तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इसे समझ सकते हैं आप। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात की जाए तो 1113 करोड़ रुपए का कैश इक्विवेलेंट है। एसेट देखिए टोटल एसेट 18,700 करोड़ रुपए के एसेट हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें लगभग 22.9 है, 9% की सैलरी फॉरेन इन्वेस्टर्स की है, मतलब उस यहाँ पर भी देख लीजिए अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, ड्यूरो वन इन्वेस्टमेंट, तो ये सब के सभी के इन्वेस्टर्स हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए ये अलग अलग डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, 24.68% की हिस्सेदारी यहाँ पर इनकी भी है। म्यूचुअल फंड्स ने भी अलग अलग म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पर हिस्सेदारी ले रखी है। और पब्लिक की बात की जाए तो देखिए बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट, बजाज ने भी कर रखी है यहाँ पर हिस्सेदारी ले रखी है, और जो ये इन्वेस्टर्स है ये इसके इसमें भी इन्वेस्ट ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं, तो इसलिए दोनों की तरफ ध्यान दे सकते हो, काफ़ी बेहतरीन नज़र आता है। और मुझे ये ज़्यादा शेयर काफ़ी अच्छा लगता है, 40 40 रुपये पे जो चल रहा है। और काफ़ी वेटेज ये रखते ही है, ROCE भी काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी अच्छे ये रिटर्न्स देती आई है, तो इसकी तरफ आप नज़रें बना सकते हैं, शायद ये फ्यूचर में मल्टी बैगर साबित हो सकता है। एज वेल एज इन्वेस्ट करने से पहले अपने एडवाइज़र से ज़रूर पूछ लीजिएगा, बाई एंड सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज दिस वीडियो इज़। और अगर एंजल ब्रोकिंग के साथ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक हो मिल जाएगा, फ्री में आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।